उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल सभी आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है। वहीं डीसीपी राहुल राज ने बताया है कि यहां जमीन की पैमाइश होनी थी, जिसमें एक पक्ष फरीद अपने चाचा मुनीर उर्फ ताज और दूसरा पक्ष सिराज उर्फ लल्लन खां, उसका बेटा फराज और अन्य लोग मौजूद थे। वहीं विवाद के चलते पैमाइश नहीं हो पाई, तो डीसीपी ने आगे बताया कि इसके बाद फरीद अपने चाचा मुनीर और अन्य लोगों के साथ वापस घर मोहम्मद नगर पहुंच गया। इसके फौरन बाद थार गाड़ी से सिराज अहमद उर्फ लल्लन अपने बेटे फराज अहमद के साथ फरीद के घर पहुंचा। वहां विवाद के बाद सिराज उर्फ लल्लन खां और उसके बेटे फराज ने अपनी लाइसेंसी राइफल से पहले हंजला खान को गोली की भी गोली मारकर हत्या कर दी। सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने इनकी थार गाड़ी और राइफल को सुनसान इलाके से बरामद किया। आरोपी उत्तराखंड के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थे। वहीं नेपाल बॉर्डर और एयरपोर्ट पर पुलिस लगाई गई। ये दोनों आरोपी मुरादाबाद के लिए निकल चुके थे। उन्हें पकड़ने के लिए 5 टीमों को भी लगाया गया, जिसमें थाना दुबग्गा मलिहाबाद काकोरी सर्विलांस टीम थी। वहीं सिराज उर्फ लल्ला खां और बेटे फराज को दुबग्गा तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। इनके ड्राइवर अशरफी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मृतक फरहीन आरोपी सिराज उर्फ लल्लन की भतीजी थी। ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। लखनऊ से संवाददाता रोहित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये जवायत है तो मूलतः क्या है कि जिनकी हत्या हुई है और जो अभियुक्तगण है, ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। जो मरी है फरीद की पत्नी, वो सिराज सगी भतीजी है। तो ये सगे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन इनके बीच में बरसों से मनमुटाव था, या आपसी विवाद था इनके बीच में, पहले से चल रहा था। और ये जमीन का मसला एक अलग से इनका आ गया, जिसमें कि इनका कब्जा था सिराज का, और ये नहीं चाहता था कि इसमें कोई पैमाइश हो। लेकिन चूंकि पैमाइश हो रही थी और फरीद भी एक संयुक्त खातेदार थे, ये भी मौजूद थे, तो इनको ये लगा कि फरीद के द्वारा जो है जानबूझ करके ये पैमाइश कराई जा रही है, और उस चक्कर में इन्होंने जो है यहाँ मौके पर विवाद किया, और मौके पर भी हुआ, और जहाँ घटनास्थल जहाँ पर हत्या हुई है वहाँ घर के अंदर घुसकर भी वहां पर आपस में, चूंकि रिश्तेदार भी थे, घुसकर भी वहां विवाद किए। विवाद के दौरान काफी जब गर्मागर्मी हुई तो इन्होंने बंदूक राइफल निकाल करके गोली चलाई।